प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज परिवर्तन यात्रा के तहत नीमच और झाबुआ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले कमलनाथ झाबुआ जिले के पेटलावत में हुए डेटोनेटर्स विस्फोट की तीसरी बरसी पर पेटलावत पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि चौक पर हादसे में मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 3 वर्ष पूर्व पेटलावत डेटोनेटर्स ब्लास्ट एक ऐसा हादसा था जिसको भुलाया नहीं जा सकता। पेटलावत ब्लास्ट के समय मृत व्यक्तियों के परिवारों को मिले मुआवजे को लेकर पीड़ित परिवारों ने आज मुझसे मिलकर अपनी परेशानियां बताई हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आपकी हर समस्या का समाधान होगा। हर पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को हम रोजगार भी देंगे। शिवराज सरकार ने इस मामले में सच्चाई को दबाया है। इस दौरान सांसद कांतिलाल भूरिया भी मौजूद थे। वहीं नीमच की जनसभा में विशाल जनसमुदाय उपस्थित रहा। सच्चाई देखिए आपके सामने, जिनको सच्चाई नहीं दिख रही उनको सच्चाई दिखाइए। आज सच्चाई अपनाइए, क्योंकि सच्चाई में ही हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। आज प्रश्न कमलनाथ के भविष्य का नहीं है, आज प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है, आज प्रश्न नौजवानों के भविष्य का है, आज प्रश्न ये जो हमारे आदिवासी भाई बैठे हैं सामने, हमारे किसान बैठे हैं, हमारी महिलाएं बैठी हैं, आज उनके भविष्य का प्रश्न है। क्योंकि आज जहां हम घसीटे जा रहे हैं, हमें आज अपने प्रदेश को उसी पटरी पर वापस लाना है, उसी पटरी पर उस प्रदेश को लाना है। ये जो हमें 15 साल कलाकारी की राजनीति, गुमराह की राजनीति, बहकाने की राजनीति, घोषणाओं की राजनीति, कितनी घोषणाएं की इन्होंने, आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं कितनी घोषणाएं अपने झाबुआ जिले में, जहां जाते हैं घोषणाएं कर लो, कहते जनता तो मूर्ख है। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहना चाहता हूं, हमारे झाबुआ के लोग, बेतलावाद के लोग बोले काले हैं, सीने सारे हैं, गरीब हैं, कभी कभी निराश होने को भी तैयार हो जाते हैं, पर आप उन्हें ठग लो जिस प्रकार आपने उन्हें ठगा है। मध्य प्रदेश की जनता को आपने जिस प्रकार ठगा है, आपको मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। नीमच में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज का नौजवान भटक रहा है, वह रोजगार चाहता है लेकिन उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन शिवराज सरकार इन्हें सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा में लाई गई सरकारी भीड़ को जनता का प्यार दिखाकर प्रचारित करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। वे आशीर्वाद लेने नहीं, खरीदने निकले हैं, वे सिर्फ घोषणाएं करते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, ये हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान की अपनी सोच है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना इंटरनेट के, बिना ये 1000 चैनल के, पर आज के जो नौजवान हैं, इनमें एक तड़प है। आज के नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहते, कोई ठेका नहीं चाहते, वे अपने हाथों को काम चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। और अगर सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, आज ये नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, आज इनके हाथ में है हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य। और अगर आज का नौजवान भटकता रहा, उसके सामने केवल अंधेरा ही हुआ, कितना बड़ा धोखा इनके साथ हुआ है। व्यापम की बात तो हो गई, मैं दोहराना नहीं चाहता, व्यापम भी आप अच्छी तरह नहीं समझे। व्यापम में क्या हुआ, शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई जहां बिना पैसे दिए हुए कोई रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार तो छोड़िए, आगे कागज भी नहीं मिल सकता। इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में हमारा बेचारा नौजवान जो रोजगार के लिए गया, उसके परिवार ने अपने जेवर बेचे, अपनी जमीन बेची, गलत किया कि भूत दिया, पर 2200 नौजवान जेल गए, 2200 नौजवान जेल गए जिन्होंने घूस दी थी। इन 2200 नौजवानों का जीवन तो समाप्त हो गया, जीवन तो अंधेरे में चला गया, जिन्होंने घूस दी ये बात समझने की है।
जिन्होंने घूस दी वो तो जेल में, उनका जीवन अंधेरे में, और जिन्होंने घूस ली वो तो राज कर रहे हैं। ये व्यापम की असलियत है कि किस प्रकार से इन्होंने एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।